भारत में बनने वाले खादी कपड़े अब धीरे धीरे विदेशों में धूम मचाने लगे हैं। जर्मनी के साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस और कई अन्य देशों में अब नैनीताल के बने खादी के कपड़े जाने लगे हैं। विदेशों से इन कपड़ों की जमकर डिमांड आ रही है। इससे स्थानीय लोगों के रोजगार में भी बढ़त हो रही है। नैनीताल के तलिताल में स्थित एल्बिटो टेलर्स के मालिक विजय कुमार ने न्यूज 18 लोकल से बात करते हुए बताया कि वह खादी कपड़े बनाने का काम करीब 12 वर्षों से कर रहे हैं। बीते अप्रैल मई के महीने में पर्यटन सीजन के दौरान जर्मनी से एक महिला पर्यटक उनकी दुकान से खादी के गाउन और कोट लेकर गई। उन्हें ये कपड़े काफी पसंद आए और इन कपड़ों की काफी सराहना भी की। इसके बाद वह उनका संपर्क नंबर भी लेकर गई। विजय ने बताया कि जर्मनी वापस जाने के बाद अब उनसे खादी कपड़ों पर जर्मन फैशन के डिजाइन बनवाए जा रहे हैं, जिन पर काम चल रहा है। इसके अलावा खादी की बनी पहाड़ी टोपी भी वो बना रहे हैं, जिससे पहाड़ की संस्कृति को आगे तक ले जाया जा सके। खादी के कपड़ों में जैकेट, शर्ट, पहाड़ी टोपी, मफलर, गाउन, टॉप, वास्केट, कुर्ता पैजामा व अन्य बनाए जा रहे हैं। विजय ने बताया कि खादी के कपड़े विदेशी पर्यटकों को भा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात तो है ही, साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। कपड़ों में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली वंदना बताती हैं कि उन्हें सिलाई का काम काफी अच्छा लगता है और इसे रोजगार का जरिया बनाकर वह काफी खुश हैं। खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है और इसमें अलग अलग डिजाइन पर्यटकों को लुभा रहे हैं। विजय का कहना है कि खादी कपड़ों की जमकर देश विदेश में मांग बढ़ने लगी है, इसलिए राज्य सरकार को भी खादी के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे कारीगरों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे भारत में बनने वाले खादी के कपड़े विदेशों के कोने कोने तक पहुंचे। मैं विजय भाई के साथ 5-6 साल हो गए काम करते हुए। सिलाई भी करती हूँ और हाथ की कढ़ाई भी करती हूँ खादी कपड़ों में। बहुत सही लग रहा है क्योंकि इसके थ्रू से मेरा थोड़ा घर में अपने हस्बैंड की हाथ बटा पाती हूँ मैं, और काफ़ी सही है, घर बैठे काम मिल रहा है मुझे। मैं यहाँ पे भी करती हूँ, अपने घर पे भी ले जाके करती हूँ। जैसे हमारी कुमावनी टोपी है वो बनाता हूँ, कुर्ते पैजामा हो गए, वास्कट हो गए, खादी का ये इसका प्रचलन हम ज़्यादा ही है इधर को। मैंने से ज़्यादा इसमें बहुत कार्य चल रहा है, बड़ी सराहना वाली काम की। देश विदेश से लोग आते हैं ललिता बाजार में, विजय मार्ग विजय की दुकान पे पाई बहुत संपूर्ण होता है। पर्यटक जब आए थे उन्होंने मुझे बताया हम जर्मन से हैं और आपका माल हमें बहुत पसंद आया, और आपके माल के साथ साथ हम आपका कुछ माल मेरे मुझसे ख़रीदा भी उन्होंने और बाहर भी ले गए। और उन्होंने ये कहा जब हम अक्टूबर में आएंगे तो कुछ उन्होंने डिजाइन भी दिए, तो उन्होंने कहा जब हम अक्टूबर में आएंगे तो आपसे हम काफ़ी सामान यहाँ से ऊनी वस्त्र ले जाएंगे। कारीगर लोग जो बनाते हैं तो समय लगता है, तो इस मेहनत को वो काफ़ी सराहा उन लोगों ने। सरकार को भी इस बारे में भी सोचना चाहिए, तो जो उन हाथ से कता और हाथ से बुना वस्त्र ही एक कुछ अगर 75 लोग भी पहने तो इनकी आजीविका में भी इनसे काफ़ी फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के नैनीताल से हिमांशु, न्यूज 18 लोकल के लिए।